बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है फिजिक्स का अड्डा। तो इसमें हम बात करते हैं फिजिक्स से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स की। तो अब खास क्या है, बोर्ड के एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा नजदीक है और बहुत ज्यादा प्रेशर आप लोगों पे, मुझे पता है। तो आज अब मैं शुरू करने जा रहा हूं नया बैच जिसका नाम है रिविजन 23। और इस बैच की जो खास बात है वो क्या है कि अभी तक आपने जितने भी टॉपिक पढ़े होंगे, चाहे वो यूट्यूब में हो या चाहे ऑफलाइन क्लासेस में हो या चाहे कहीं पे भी हो, तो वो सारी वीडियो आपने 15 मिनट 20 मिनट इतने लंबे टॉपिक 1 आवर और मोर देन 1 आवर होते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूं दोस्तों आज कि मैं आपको उन टॉपिक्स को 3 से 4 या 5 मिनट में कवर करने की कोशिश करूंगा ताकि उनको आप अच्छे से समझ लें और एग्जाम में जाके अच्छे मार्क्स स्कोर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रिविजन 23 का जो पहला टॉपिक होने वाला है वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज करते हैं अर्थ के बाहर प्लैनेट्स, स्टार्स या सैटेलाइट को क्लियरली देखने के लिए। तो बेसिकली इसमें हम दो केस पढ़ेंगे, एक नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए पढ़ेंगे और जब एक इमेज कहां बनती है, डीप डिस्टेंस में बनती है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, जब हम बात करते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट की तो उसमें क्या होता है, बेसिकली हमारी आईज जो होती है, जो सिलरी मसल्स होती है, उनको आई ग्लैंड्स को क्या करना पड़ता है, कंप्रेस नहीं करना पड़ता है, बिना किसी स्ट्रेस के हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। और इस केस में जो इमेज बनती है वो हमेशा इंफिनिटी पे बनती है। और जो दूसरा केस है हमारा, उसमें हम लेते हैं किसी डिस्टेंस विजन डी में, और उसमें क्या होता है, किसी डिस्टेंस डी पे क्या होती है, इमेज बनती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों, डिफरेंस ये है कि जब हम बात करते हैं क्लियरिटी की, जो जब नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो इमेज उतनी क्लियर नहीं बन पाती है एज कंपेयर टू जब इमेज कहां बनती है, डी पे बनती है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज में है, जो बेसिकली क्वेश्चन में पूछा जाता है, वो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, तो उसी के लिए हम बनाएंगे रे डायग्राम और साथ में निकालेंगे उसकी मैग्नीफाइंग पावर। एक ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस, ठीक है। जो लाइट आएंगी वो इन्फिनिटी से आएंगी, ठीक है। तो बनाना कैसे बच्चों, आपने क्या करना है, इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ है, इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ डैश है, हमने इसको दोनों को दो पार्ट में सेपरेट कर दिया और हमने क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पे दो डॉट बना दिए। ये आपको मैं सिखा रहा हूं कैसे हम जल्दी इसको सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से रे ऑफ लाइट आएगी इन्फिनिटी से कुछ इस तरह से। तो आपने क्या ध्यान देना है बच्चों, जो यहां से आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जो भी रे ऑफ लाइट जाएगी वो कहां जाएगी, डायरेक्ट किस वाले डॉट पे मिलेगी, वो मिलेगी बच्चों ऊपर वाले डॉट पे। तो हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं इसको, ठीक हो गया। और जो आपका इस ऊपर से जो रे ऑफ लाइट आ रही है, ऊपर वाली ये इमेज, ये रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है, फ्रॉम इन्फिनिटी आ रही है, ठीक है। तो ये वाला डॉट कहां जाके मिलाना है आपको, ये वाली लाइन कहां मिलानी बच्चों, ये वाली लाइन आपको कहां मिलानी है, यहां मिलानी है, ठीक। तो जहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो वहां पर क्या मिलेगी बच्चों, इसकी एक इमेज मिलेगी जिसको मैंने बोल दिया एस डैश, ठीक है। अब हम जो मैं केस आपको बता रहा हूं नॉर्मल एडजस्टमेंट। और नॉर्मल एडजस्टमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, रे ऑफ लाइट को ज्यादा बेंड नहीं होना पड़ता, हमारी आईज में जो आपकी सिलरी मसल्स हैं वो आपकी आई ग्लैंड्स को कंप्रेस नहीं करती, तो बिना किसी स्ट्रेस के क्या हो सकता है, आप इमेज देख सकते हैं। लेकिन उसमें बच्चों दिक्कत क्या है कि इमेज जो होती है वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होती है, ठीक है। तो ये हम इसमें बात करें तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में बच्चों आपने ध्यान देना कि इमेज किसमें मिलेगी, हमेशा इन्फिनिटी में मिलेगी। तो इन्फिनिटी में जब भी इमेज मिलेगी तो आपको क्या पता है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हो तो इमेज हमेशा कहां बनती है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए इन्फिनिटी में बनती है। तो इसका मतलब है कि हमें आईपीस को कुछ ऐसा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कि जब ऑब्जेक्ट की वजह से जो इमेज बन रही है वो इमेज कहां पर बने, वो आईपीस के फोकस पर बने, ताकि वो इमेज आईपीस के लिए किसका काम करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो रखनी कहां पर होगी, जब वो इन्फिनिटी, जब वो फोकस पर रखी होगी तभी इमेज कहां मिलेगी, इन्फिनिटी में। तो आपने सीधे क्या कर लेना है बच्चों, नॉर्मल एडजस्टमेंट केस में जो यानी डिस्टेंस है इसको आपने बोल देना एफई, दैट इज द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। और ये फोकल लेंथ आपकी किसकी हो जाएगी बच्चों, ऑब्जेक्टिव की, ठीक। अब ये जो इमेज है एच डैश जिसको मैंने नाम दिया है, ये इसके क्या करो आप एक ऑप्टिकल सेंटर से लाइन डाल दो, इस वाले के ऑप्टिकल सेंटर से जिसको हम बोलते हैं एंगल बीटा, दिस इज द एंगल दैट इज सबटेंडेड बाय इमेज विद द ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, जब ये रे ऑफ लाइट यहां आ रही होगी तो यहां पे भी ये एंगल मिलेगा, इसको बोला मैंने अल्फा। अगर तो ये अल्फा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा हो जाएगा। ये अल्फा एंगल कौन बना रहा है, इमेज बना रही इस वाले ऑप्टिकल सेंटर पे, ठीक। नेक्स्ट टाइम बच्चों आपने क्या करना है, अब ये जो डिस्टेंस है मैंने आपको बताया एफ, ये फोकल फोकस, ठीक है। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट को फोकस में रखते हैं तो इमेज कहां बनती है, इन्फिनिटी में। तो इस केस में इमेज कहां बनेगी बच्चों, इन्फिनिटी बनेगी। तो इसको मैं इमेज डिस्टेंस अगर नाम दे दूं यूई, ठीक है। तो अब जब भी फोकस में रखते हैं तो इमेज कहां बनती है, इन्फिनिटी में। तो इनको मैं अगर आगे को भेज दूं तो ये जाके कहां पे मिलेंगी बच्चों, ये मिलेंगी इन्फिनिटी में। तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी में। और इस लाइन को अगर आप आगे बढ़ा दो और यहां दे दो आई, ड्रॉइंग मेरी अच्छी है नहीं, तो अगर यहां देखो तो आराम से आपको इमेज क्या हो जाएगी, यहां पे दिख जाएगी। तो ये तो मैग्नीफाइंग पावर का सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय इमेज दैट इज बीटा अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट दैट इज अल्फा। और इसकी वैल्यू होती है बच्चों एप्रोक्सीमेटली 10 बीटा के बराबर होती है, और इसकी वैल्यू 10 अल्फा के बराबर। इस डायग्राम से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 10 बीटा का निकालो तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर अल्फा के लेके अगर मैं 10 अल्फा निकालो तो वो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैसे एस डैश कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा एफ ओ अपॉन एफ।
पर बच्चों आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब भी हम फोकल लेंथ एफ को मेजर करते हैं तो उसके लिए हमेशा हम क्या करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में हमें जाना पड़ता है उसको मेजर करने के लिए। तो इसलिए जो एफ का सिंबल साइन होगा क्या होगा नेगेटिव। तो इसके जो मैग्नीफाइंग पावर आएगी बच्चों क्या आएगी, एम इक्वल टू माइनस एफ ऑफ ऑन एफ ई। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे इमेज बनेगी वो तो होगी रियल, साथ में कैसी होगी बच्चों इन्वर्टेड। अच्छा कभी इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कैसे हम और इसकी मैग्नीफाइंग पावर बढ़ा सकते हैं, तो सिंपल इसमें क्या है जितना ज्यादा आप क्या करो इसकी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा इसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।